हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ की यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्यापम में पूछे जाने वाले हिंदी सब्जेक्ट के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि व्यापम में पूछा जा चुका है और जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि व्यापम के एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला सहायक वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि व्यापम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें, वो सारे के सारे व्यापम के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए कुल मिलाकर 35 क्वेश्चनों का कलेक्शन है, इस वीडियो में कितना हो पाता है देखते हैं, उसके बाद इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। एक एक को हम बहुत डीपली अभी स्टडी करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, गौड़ शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए, मतलब इसका सही विलोम शब्द को हमको चुनना है। ओके, अनिवार्य, मुख्य, सामान्य, विशेष। अनिवार्य मतलब होता है कंपलसरी, मुख्य मतलब होता है मेन, सामान्य जनरल, विशेष स्पेशल। तो गौण, जैसे कि ये आप अगर गौण का मीनिंग जानते होंगे तो ये मुख्य का थोड़ा सा उल्टा टाइप का होता है ना, मुख्य इसका विलोम शब्द होता है और गौण इसका उसका उल्टा होता है। ठीक, मतलब एक दोनों के दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो ये बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य इसका सही उत्तर होगा। ओके, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब सभी जो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई छांटना है कि कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, उसका एक वचन नहीं होता है। अक्षता, ओट, प्रार, उपयुक्त, सभी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका डी नंबर सही उत्तर है, उपयुक्त सभी शब्द जो है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलेंगे, एकाएक कौन सा समास है, एकाएक कौन सा समास है, इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ये सी नंबर का ऑप्शन होगा, अव्ययी भाव समास, एकाएक जो शब्द होता है वो अव्ययी भाव समास होगा। अगला चलेंगे हम, उस्ताद का पर्यायवाची शब्द क्या है, उस्ताद का पर्यायवाची शब्द, उस्ताद का आपने जनरली फिल्मों में सुना होगा ये शब्द, निपुण, दक्ष, गुरु, उपयुक्त, सभी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको सही उत्तर होगा सी, गुरु। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरु इसका करेक्ट आंसर होगा, उस्ताद मतलब होता है गुरु। छ, त्र और ज्ञ इनमें से क्या हैं, ठीक है, छ, त्र और ज्ञ इनमें से क्या है, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो फ्रेंड्स, ये जो उसका सही उत्तर होगा ये संयुक्त व्यंजन है ना, ये जो क्ष है ये क और षटकोण का स से मिलकर बना हुआ है, हाँ ये क और स से मिलकर बना हुआ षटकोण का स, और त्रा जो है त और रा से मिलकर बना है, और ज्ञा जो है ज और ज्ञा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर दिख रहा है, अगर आप उपसर्ग के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, उत उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। पहला खलनायक, भ्रष्ट नायक, अधिनायक, सहनायक। तो फ्रेंड्स, खलनायक, भ्रष्ट नायक और सहनायक ये गलत उत्तर हैं, इसका जो सी नंबर है ये सही उत्तर होगा, अधिनायक। ओके, खलनायक अलग वर्ड है, भ्रष्ट नायक ये भी कुछ दूसरा ही, सहनायक ये अलग ही शब्द है, अधिनायक जो होता है इस जो सेंटेंस दिया गया है इसके लिए एक सुचारू शब्द है। ठीक, तो इस सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ओके, आगे चलेंगे हम, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, स्त्रीलिंग शब्द हमको चुनना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है यहाँ पे, और आलम, अकाल, तलवार, आश्रम।
तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन है, ये जो तलवार है ना फ्रेंड्स, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तलवार एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तलवार। आगे चलेंगे हम, निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए, सही वर्तनी हमको चुनना है। ओके, ग्रहणी जो कि एक गलत शब्द है, गृहिणी, उसके बाद है ग्रहिणी, उसके बाद गृहिणी। तो फ्रेंड्स ये जो इसका सही उत्तर है गृहिणी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ओके, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 14, 16, 11 और 12। तो इसको तो आप जानते होंगे डेफिनेटली, 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। तो ये अभी हमने 10 क्वेश्चन देखा, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चुमना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ के लिए अभी हमको सही शब्द चुनना है, या सही उसका जो अर्थ है होता है उसको हमको चुनना है। प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना, खुशियां मनाना। ठीक है, तो अंगूठा चुमना का मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है, उसको खुश करने के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, खुशामद करना। ने किस कारक की विभक्ति है, अगर आपको कारक का ज्ञान है तो कर्ता ने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह कर्ता कारक है, ने जो है वो कर्ता कारक है, इसलिए ये कर्ता, इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आनंद मग्न में कौन सा समास है। ठीक है, आनंद मग्न में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स आनंद में मग्न इसका विग्रह होगा, इसलिए तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के श्रेणी में रखा जाता है। देखिए सलगम का श का दिया गया है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, जो सलगम का श होता है उसके ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, दंत, दंतालु, मूर्धा। तो फ्रेंड्स उच्चारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है ना, इसका तालु उत्तर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो 1, 3, 4, 2। तो फ्रेंड्स इसका 2 सही उत्तर होता है, मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ओके, आगे चलेंगे, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद नहीं है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कर्म वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म वाक्य, कर्म वाक्य इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं। और हाँ, मैंने संज्ञा और शब्द संबंधी जो शब्द के प्रकार हैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को आप डेफिनेटली देखिए, आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आने वाले हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और संभाव्य भूतकाल। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, ये आसन्न भूतकाल को बताता है, सीता स्कूल गई है एक आसन्न भूतकाल है। ठीक है, हिंदी में अगर आपको काल के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित रूप से इस संबंध में आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। देखिए समय और स्थान के बचत के आधार पर है ना, समय और स्थान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समय और स्थान की बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो बी नंबर का है ना, ये जो डॉट लिखा है ये प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप विराम चिन्ह संबंधित मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, 2 वीडियो बनाए हैं विराम चिन्ह को लेकर, उसमें सारे विराम चिन्ह मैंने कवर कर लिया है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए आप।
कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? अर्धविराम का चिन्ह फ्रेंड्स ये है डी नंबर, इसको अर्धविराम कहा जाता है। विराम चिन्ह संबंधित प्रश्न है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधनदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, सूर्य धन उदय इसका संधि विच्छेद होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहा जाता है उसके बारे में क्वेश्चन आया है। विशेषण से क्वेश्चन लिया गया है, परिमाण बोधक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को और विशेषण के विशेषण को। ठीक है, तो देखिए प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने विशेषण संबंधी जो वीडियो बनाया है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रविशेषण होता क्या है। ठीक, तो ये डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक संज्ञा, मेरा संज्ञा संबंधित वीडियो देखेंगे तो आप 101% मैं गारंटी देता हूँ कोई भी संज्ञा पहचानने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए। दक्षिण, नम्रता, ऋग्वेद, बटन, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञाएँ ऐसी संज्ञाएँ होती है जिससे किसी भावना का बोध होता है। ठीक है, तो नम्रता एक ऐसा वर्ड दिख रहा है यहाँ पे जो जिससे हम किसी भावना का व्यक्त हो रहा है या एक भाव को व्यक्त करता है, किसी भी वस्तु की गुण दशा स्थिति और उसकी गुणधर्म को बताता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और एक भावना का व्यक्त करता है, इसलिए डी बी नंबर नम्रता इसका सही उत्तर होगा। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधेयार्थ, विधेयार्थ, मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये डी नंबर होगा, व्यंग्यार्थ कहा जाता है व्यंजना शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है। अगर सप्त शक्ति का अगर आपको ज्ञान नहीं है, है ना, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, इसके बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित रूप से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो फ्रेंड्स इसका जो व्यंग्यार्थ होगा ये इसका सही उत्तर होगा। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहलवानी करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना, तपस्या करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, लंगोटी में फाग खोलना मतलब आपके पास समस्याएं हैं, आप दरिद्रता से गुजर रहे हैं, और फाग खेलना मतलब उत्सव मनाना, आनंद मनाना, तो ये सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बकवास करना, बकबक करना, रौब झाड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, डींग हाँकना। गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना। ठीक है, लेकिन किस भाषा का शब्द है? लेकिन किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, हिंदी भाषा का, फारसी, अंग्रेजी भाषा का। तो फ्रेंड्स जो लेकिन है ये एक फारसी भाषा का शब्द है, है ना, लेकिन एक फारसी भाषा, इस तरह से फारसी भाषा के बहुत सारे वह शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं, उसी तरह अरबी के हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आदमी, मजबूर, कुर्सी, किस्मत, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। उसी प्रकार कबूतर, आईना, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स निश्चित रूप से आप जानते होंगे उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है, ये सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ओके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक संयुक्त क्रिया है फ्रेंड्स। पहुंच गया, पहुंचना एक अलग क्रिया है, गया मतलब जाना से बना हुआ है ये, गया ये अलग क्रिया है, तो एक दोनों मिलकर एक संयुक्त क्रिया है। जैसे कि पहुंच गया,
है ना। तो ये एक संयुक्त क्रिया को बताता है, दो क्रियाओं का एक सिंबल मिलकर बना है संयुक्त क्रिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसको डेफिनेटली देखिए, इसका पार्ट टू होगा। और ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जा चुके हैं व्यापम के, और अभी जो शिक्षक भर्ती होगा उसमें व्याकरण से जो सेक्शन पूछे जाएंगे, व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे इसी लेवल का होगा, और सिमिलर क्वेश्चन टाइप, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नए व्यूअर हैं तो 101% चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए, और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।